हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं अरुण सर ग्रेडअप क्लासेस गो से बोल रहा हूँ। और आज आप लोग के बीच में एक टॉपिक यानी ट्रिक लेकर आया हूँ, जो आपका अनुच्छेद का ट्रिक है। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हमारे मूल्य सिद्धांत में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन 395 अनुच्छेद याद रखना संभव नहीं है। तो 395 अनुच्छेद को मैंने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में आते रहता है, तो मैं उसका कुछ ट्रिक बनाकर लाया हूँ जो शायद आप लोग को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज का ट्रिक अनुच्छेद का है, तो मैं अनुच्छेद से आज जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है उसको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि अनुच्छेद का जो ट्रिक है, यहाँ पे मूल्य सिद्धांत में 395 अनुच्छेद थे, ये दोस्तों जानते होंगे आप लोग। और वर्तमान में अभी 444 से अधिक मिलेगा। कई बुक देखेंगे, हर प्रकाशन जो बुक है हर अनुच्छेद मिलेगा 444 से अधिक मिलेगा, और इससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 444 से अधिक अनुच्छेद है अभी वर्तमान में दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक छोटा ट्रिक बनाया है, और देखिए पहला जो ट्रिक है थोड़ा सरल। क्या नाम है? सरल, एकदम सरल है, नाम ही सरल है। क्या नाम है? सरल। तो सरल है जो ट्रिक है, आपको मालूम होगा सरल सरल हो गया, संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया। ये आपका स से संसद हो गया, र से राज्यसभा हो गया, और ल से लोकसभा हो गया। तो आपको मालूम होगा कि जो है संसद, तो संसद पूछता है कि संसद जो है, हमारे संसद का गठन किया गया अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद आपका 79 होगा। कितना होगा? 79, अनुच्छेद 79 बोल रहा है संसद। और उसके आगे र से राज्यसभा हो गया, राज्यसभा, राज्यसभा गठन किया गया, अनुच्छेद कितना? 80। और लोकसभा गठन किया गया, अनुच्छेद कितना? 81। तो ऐसे याद रखेंगे छोटू, ये लगातार हो गया 79, 80, 81, ये ऐसे। लेकिन आपका आपको मालूम होगा दोस्तों कि संसद हो गया अनुच्छेद 79, राज्यसभा हो गया अनुच्छेद 80, और लोकसभा हो गया 81। तो आपको थोड़ा सा एक अलग से बता देता हूँ मैं कि संसद के पूछता है, परीक्षा में हमेशा पूछते रहता है कि संसद कि कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं, और संसद कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं दोस्तों, संसद के 2 सदन होते हैं। और संसद 3 अंग होते हैं, और संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट। इस तरह पूछते रहता है, संसद संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, ऐसे बोलते हैं दोस्तों। हमें परीक्षा में पूछता है कि संसद कितने अंग होते हैं, तो 3। संसद कितने सदन होते हैं? 2। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को बोलते हैं बुजुर्गों की सभा, और लोकसभा को बोलते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन जनता का सदन बोलते हैं लोकसभा को, राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह ऐसे पूछता रहता है। तो संसद देखेंगे, संसद जो आपका गठन किया जाता है 79, तो मैंने 79 जो संसद का गठन किया था अनुच्छेद 79 के तहत। तो अब मैंने इसमें ट्रिक जो यूज करेंगे, वो ट्रिक जो होगा आपका अनुच्छेद 89 होगा। अनुच्छेद 89 नहीं, एक अंक लिया है एक तरह से, 89, 89 एक अंक लिए अपने तरफ से, 89 को ऐड करेंगे हम लोग। तो इसी से आपका ट्रिक बनते जाएगा, अनुच्छेद का ट्रिक बनते जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ऐसे भी मालूम है कि अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 89 क्या बोलता है? अनुच्छेद 89 में क्या किया गया? हम लोग तो एक तरह से अंक लिए हैं 89 ना, जो आपको ट्रिक में मदद करेगा 89। और 89 ही ऐसा आपका जो है ना अंक है जो परीक्षा में आपको 89 अंक ला देगा।
हीरो बना देगा, स्मार्ट बना देगा परीक्षा में आपको, 89 अंक जो 89 अनुच्छेद का प्रयोग करेगा। और अनुच्छेद 89 ही बोलता है कि जो राज्यसभा का सभापति उपसभापति होगा, अनुच्छेद कितना 89, बट ये बोलता है कि 64 अनुच्छेद क्या बोलता है कि राज्यसभा का सभापति होगा वो अनुच्छेद 64 बोलता है, ठीक है। लेकिन 89 में भी प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 89 भी बोलता है कि क्या बोलता है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा, अनुच्छेद कितना 89 के तहत। तो अलग से 89 का मैंने इसमें यूज करेंगे ट्रिक का, जो 89 आपको बहुत से अनुच्छेदों में ट्रिक काम करेगा। 89 एक ऐसा अंक है जो परीक्षा में आपको स्मार्ट हीरो बना देगा। तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अनुच्छेद 89 में, अनुच्छेद 89 में आपको ये तो मालूम हो गया, बता दिए 89 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 89 बोल रहा है कि सभापति एवं उपसभापति होगा, उपसभापति होगा, अनुच्छेद 89 बोल रहा है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति होगा, अनुच्छेद कितना 89। बट इस तरह पूछेगा आपको, क्या पूछेगा कि पूछता है कि विधानसभा का सभापति एवं उपसभापति होगा, अनुच्छेद कितना, ये पूछता है। अगर ये पूछ दे आपका कि विधानसभा का सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा का सभापति उपसभापति होगा, तो आपको ऐड करना उसमें 89 आपका प्लस 89 9918 1878 अनुच्छेद 178 बोलेगा आपका। क्या बोलेगा अनुच्छेद 178 सीधे पूछेगा कि विधानसभा का सभापति उपसभापति होगा, अनुच्छेद कितना 178। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको ऊपर वाला जो होता है ना मालूम होना चाहिए कि विधानसभा का सभापति उपसभापति अनुच्छेद कितना बोल रहा है, तो 89 बोलता है, उसमें 89 जोड़ देंगे तो आपको विधानसभा का सभापति एवं उपसभापति होगा, ये आपका आएगा 178। तो सीधे ऐसे लिखेंगे, जब ये मालूम हुआ कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति होगा अनुच्छेद 89 बोल रहा है, तो विधानसभा का सभापति उपसभापति होगा अनुच्छेद कितना 89 प्लस 89 कर देंगे 178, अनुच्छेद कितना बोल रहा है, अनुच्छेद 178 बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इसी तरह हम लोग तुलना करते जाएंगे, संसद को तुलना किसे करेंगे, विधानमंडल का। तो विधानमंडल संसद का गठन अनुच्छेद 79, तो विधानमंडल का गठन 79 प्लस 89 कर देंगे दोस्तों, 79 प्लस 89 अनुच्छेद कितना 168, ठीक है। तो विधानमंडल का गठन होगा अनुच्छेद 168। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि संसद, जो संसद का गठन होता है अनुच्छेद कितना 79, तो जस्ट पूछेगा उसका तुलनात्मक करेगा कि संसद को तुलना किससे, विधानमंडल से। तो विधानमंडल में क्या करेंगे कि 79 प्लस 89 कर देंगे तो आपका 168 हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है। तो विधानमंडल गठन अनुच्छेद 168 दोस्तों, विधानमंडल का होता है जैसे संसद, संसद के दोस्तों दो अंग होते हैं, संसद के तीन अंग होते हैं, उसी तरह विधानमंडल के तीन अंग होंगे। कब होंगे, जब जिस राज्य में विधान परिषद होंगे उस राज्य में तीन अंग, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होंगे उसके दो अंग होंगे, ठीक है दोस्तों। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, निम्न सदन एवं उच्च सदन। तो निम्न सदन किसको बोलेंगे, विधानसभा को बोलेंगे, उच्च सदन किसको बोलेंगे, विधान परिषद को बोलेंगे, छोड़ो, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब इसको तुलना संसद गठन मालूम हो गया कि अनुच्छेद 79, जस्ट पूछेगा विधानमंडल गठन अनुच्छेद कितना, तो 79 प्लस 89 कर दें आपका अनुच्छेद 168 आ जाएगा। तो विधानमंडल गठन 168 होगा। यहाँ पे हम लोग 89 का प्रयोग करें, 89 अंक का प्रयोग करें, आपको बता चुके हैं पहले 89 का अनुच्छेद 89 क्या बोलता है, पहले बता चुके हैं। अब देखेंगे उसको तुलना करें राज्यसभा का गठन, राज्यसभा गठन अनुच्छेद 80 बोल रहा है, तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 बोल रहा है, तो आपका जस्ट राज्यसभा को तुलना किसे करेंगे, राज्यसभा को तुलना हम लोग करेंगे विधान परिषद से, किससे तुलना करेंगे, विधान परिषद से।
राज्यसभा को तुलना विधान परिषद से, तो राज्यसभा गठन अनुच्छेद 80, तो विधान परिषद का गठन 80 जोड़ 89 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169, 169 हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषद का गठन पूछेगा, 80 जोड़ देंगे उसमें 89 तो कितना हो जाएगा 169, 169 अनुच्छेद बोला विधान परिषद। विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन, तो राज्यसभा क्या बोलते हैं उच्च सदन। तो ऐसे तुलना, इससे तुलनात्मक हो रहा है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, तो इसको भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, एक अस्थायी सदन है। तो ठीक उसी प्रकार विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है। छोड़ो, ऐसे सवाल पूछता है, एक मोस्ट सवाल है, पूछता है कौन सा जो है जो विधान, कौन ऐसा जो है जिसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है, वो विधान परिषद है। तो विधान परिषद आपको मालूम है हमारे जो है 7 राज्य में, पहले जो आपको जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, विधान परिषद यानी गठन अनुच्छेद 169। हम लोग अभी अनुच्छेद का प्रयोग कर रहे हैं, अनुच्छेद के ट्रिक के बारे में बता रहे हैं, तो ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, अभी मैं इधर केवल अनुच्छेद 89 का ही प्रयोग कर रहे हैं, 89 अंक का ही प्रयोग कर रहे हैं, जो आपको परीक्षा में एक हीरो बना दे, स्मार्ट बना दे। ठीक है, और छोटू आप लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है, 395 अनुच्छेद है, लेकिन मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन पढ़ना, मोस्ट 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 के अनुच्छेद पढ़ना है, जो आपको परीक्षा में स्मार्ट बना दे, स्मार्ट स्टडी आपका जल्दी आपको जो लक्ष्य को पहुंचा देगा। क्वेश्चन बहुत से मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ना है जो आपको परीक्षा में आते रहता है। आगे चलेंगे दोस्तों, विधान परिषद क्लियर है, राज्यसभा गठन अनुच्छेद 80, तो विधान परिषद गठन पूछेगा तो 80 प्लस 89 जोड़ देंगे उसमें 169, और नेक्स्ट चलेंगे, लोकसभा का गठन होगा अनुच्छेद 81, लोकसभा गठन अनुच्छेद 81, तो लोकसभा को तुलना किसे करेंगे, विधानसभा से करेंगे, तो विधानसभा का गठन होगा तो 81, आपको ट्रिक बताएं, 89 जोड़ेंगे उसमें 89, तो अनुच्छेद कितना जाएगा 170, विधानसभा गठन होगा अनुच्छेद 170 के तहत, तो इस लोकसभा को तुलना किससे करेंगे, लोकसभा को तुलना हम करेंगे विधानसभा से, क्योंकि लोकसभा को बोलते हैं जनता का सदन, तो विधानसभा को बोलते हैं जनता का सदन, एक लोकप्रिय सदन, ये भी एक लोकप्रिय सदन, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, तो विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष, तो इस तरह याद रखेंगे, लोकसभा गठन होगा अनुच्छेद 81, तो 81 जब आपको मालूम होगा तो विधानसभा गठन का भी अनुच्छेद मालूम हो जाएगा आपको, 81 प्लस 89 उसमें कर देंगे तो आपको 170, तो विधानसभा गठन होगा अनुच्छेद 170 बोलेगा दोस्त, ऐसे याद रखें छोटो। और क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि विधान लोकसभा को भंग किया जा सकता है, एक सवाल पूछता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा का भी भंग किया जा सकता है, ऐसे लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उससे समय से पहले भंग किया जा सकता है। और नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे, जो अनुच्छेद 89 का प्रयोग कर रहे हैं, यानी 89 का जो प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, उसमें चलेंगे नेक्स्ट है आपका कि संसद पूछता है, संसद की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद कितने के तहत, ये पूछता है सवाल कि संसद की संयुक्त जो बैठक होती है वो अनुच्छेद कितना बोल रहा है, ये 108 बोल रहा है दोस्तों, तो ऐसे याद रखेंगे, संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है, तो ठीक उसी तरह पूछेगा, संसद तो केंद्र में हो गया, राज्य में पूछेगा, विधानमंडल में जो होता है जो संयुक्त बैठक होती है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको मालूम है कि संसद में जो बैठक होती है अनुच्छेद 108, और विधानमंडल में पूछेगा जो संयुक्त बैठक होती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 108 और प्लस कर देंगे प्लस 89, 108 जोड़ 89 कर देंगे तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा 197, 197 हो जाएगा। तो पूछे है कि जो राज्य में संयुक्त बैठक जो होती है अनुच्छेद कितने के तहत 197। दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ऊपर वाला याद रखेंगे कि संसद की संयुक्त जो बैठक होती है वो कितना अनुच्छेद बोल रहा है 108, ये क्लियर होना चाहिए, तब आप नीचे वाला पकड़ेंगे, उस समय हम तुलनात्मक कर रहे हैं, तुलनात्मक में पूछेगा कि जो विधानमंडल के में जो संयुक्त बैठक होती है वो 108 है याद होगा, तो उसमें 89 ऐड करेंगे तो अनुच्छेद 197, विधानमंडल में संयुक्त जो बैठक होती है जो उसका अनुच्छेद कितना बोल रहा है
197 बोल रहा है छोटू, ठीक है। अनुच्छेद कितना बोला है 197। आगे चलेंगे, ये तो मालूम है कि संसद की संयुक्त जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता, लोकसभा का स्पीकर करता। तो ठीक उसी प्रकार है विधानमंडल पूछेगा कि संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता करता है विधानसभा का स्पीकर करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। चलेंगे नेक्स्ट है, और उसमें आगे चलेंगे आगे राष्ट्रपति। अब ये भी पूछता है राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति जो दी गई है, जो माफ करता है उम्र में जो जो फांसी की सजा को कम करता है जो भी हो उसमें कम, अनुच्छेद कितना बोल रहा है पूछे। राष्ट्रपति का जो अधिकार दिया गया है जो क्षमादान का, जो फांसी की सजा कम करता है, जो उम्र कैद को में बदलता है, जो भी बदलता है राष्ट्रपति का क्षमादान, अनुच्छेद आपको मालूम है अनुच्छेद 72 बोल रहा है राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद कितने के तहत 72। उसी तरह राष्ट्रपति को तुलना हम लोग किससे करेंगे, राज्यपाल को, केंद्र का प्रधान राष्ट्रपति, राज्य का गवर्नर राज्यपाल होता है, तो राष्ट्रपति को तुलना राज्यपाल से कर लेंगे। तो राज्यपाल को जो क्षमादान की जो दी गई है शक्ति वो 72 प्लस क्या करेंगे 89 जोड़ेंगे, उसमें 89 हम लोग ट्रिक लेके चल रहे हैं, 89 बाकी अनुच्छेद 89 लेके चल रहे हैं, 89 अंक लेके चल रहे हैं हम लोग, उसमें 72 प्लस 89 कर देंगे तो अनुच्छेद 161 हो जाएगा। तो राज्यपाल को जो क्षमादान की जो शक्ति दी गई है अनुच्छेद कितना बोल रहा है, अनुच्छेद 161 बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट जो धन विधेयक, धन विधेयक परिभाषित, जो धन विधेयक जो होता है मनी बिल जिसको बोलते हैं मनी बिल, अनुच्छेद कितने के तहत, ये अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषित किया गया अनुच्छेद कितना 110। तो जस्ट इसका पूछेगा राज्य में जो होता है धन विधेयक वो अनुच्छेद कितने के तहत, राज्य में पूछे, राज्य में केंद्र में जिस तरह होता है उसी तरह राज्य में भी होता है, तो राज्य में पूछेगा धन विधेयक राज्य में धन विधेयक अनुच्छेद कितना, तो आपको क्लियर होगा कि लोक जो केंद्र में होता है जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है परिभाषित किया जाता है 110 के तहत, तो 110 में 89 जोड़ देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा अनुच्छेद कितना 199 कितना हो जाएगा 199 दोस्तों। जो केंद्र में जो होता है लोकसभा में धन विधेयक जो प्रस्तुत होता है उसमें मनी भी बोलते हैं मनी MONEY, तो इसको भी अनुच्छेद बना लेंगे, ट्रिक्स से पकड़ लेंगे MONEY मनी बिल, क्या बोलते हैं मनी बिल, धन विधेयक को क्या बोलते हैं मनी बिल दोस्तों। कहीं आपको मालूम होगा कि ये शब्द में बनाकर लिख देता है मनी बिल, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता है, तो इस तरह याद रखें मनी बिल को धन विधेयक बोलते हैं। तो इससे भी इसका ट्रिक बन जाएगा, देखिए कैसे ट्रिक बनाते हैं दोस्तों, मनी MONEY तो क्या करेंगे कि इधर से पहले इसको मिटा देंगे, पहले इसको इधर से मिटा देंगे, बच गया MO, तो इसको भी मिटा देंगे इस तरह, ऐसे मिटा देंगे ऐसे, तो अनुच्छेद कितना बन गया दोस्तों 110। तो अभी बताया ना कि धन विधेयक जो परिभाषित किया गया अनुच्छेद कितना 110, इसे भी बन गया 110, ये बन गया अनुच्छेद ना, ट्रिक बन गया, तो इस तरह याद रखेंगे धन विधेयक परिभाषित जो अनुच्छेद 110 उसको तुलना किसे करेंगे, राज्य में जो धन विधेयक होता राज्य में जो मनी बिल पेश होगा 110 प्लस 89 कितना हो जाएगा 99, 199 अनुच्छेद कितना है 199। हम लोग 89 का ट्रिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, केवल आज आपको बताया जा रहा है केवल अनुच्छेद का जो मोस्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में बताया जा रहा है, जो 395 अनुच्छेद है, ठीक है, इसमें जो आपको परीक्षा से रिलेटेड परीक्षा में जो हमेशा आते रहता है दोस्तों मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे जो है भारत का महान्यवादी, भारत का महान्यवादी होगा अनुच्छेद कितना बोल रहा है 76, कितना बोल रहा है 76, भारत का जो महान्यवादी होगा अनुच्छेद कितना बोल रहा है 76, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का महान्यवादी होता है, तो भारत का महान्यवादी पूछेगा अनुच्छेद कितना बोल रहा है, अनुच्छेद कितने के तहत गठन किया जाता है 76, और राष्ट्रपति करता है। और इसी तरह पूछे राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता जो होता है वो आपका जब ऊपर वाला मालूम है 76, तो हम लोग चल रहे हैं 89, तो उसमें 89 ऐड करेंगे इसमें 76 में, तो 76 प्लस 89 76 प्लस 89 कर देंगे तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा 165। तो कितना सिंपल है, कितना सरल ट्रिक है, देखेंगे आप लोग पकड़ेंगे ध्यान से कि भारत का महान्यवादी होगा 76, तो राज्य का महाधिवक्ता होगा
अनुच्छेद 165, 165 कैसे आएगा, तो ऊपर वाला याद रखेंगे, भारत का जो मानवाधिकार होगा अनुच्छेद 76 प्लस 89 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 165, 165 होगा, अनुच्छेद कितना हो रहा है 165। ये राज्य का महाधिवक्ता हो गया, ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता होता है। और नेक्स्ट क्या पूछा है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महानवादी होता है। ठीक है दोस्तों आगे चलेंगे, पूछता है केंद्र की एक जो होता है एक मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद कितना बोल रहा है, क्या बोलता है कि केंद्र की एक मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद कितना बोल रहा है 74, 74 होता है, एक मंत्री परिषद होगा अनुच्छेद 74, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा 75, ऐसे याद रखेंगे, तो केंद्र की एक मंत्री परिषद होगी 74, तो ठीक उसी में क्या करेंगे कि राज्य की जो मंत्री परिषद होगी, राज्य में तो भी होगी, तुलनात्मक करेंगे उसको, इसमें हम तुलनात्मक करें, केंद्र में एक मंत्री परिषद होगी तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि राज्य में भी एक मंत्री परिषद होगी, ये क्या करेंगे ना इसमें आपको मालूम है कि केंद्र की एक मंत्री परिषद होगी 74 बोला, एक क्लियर है, तो राज्य क्या मंत्री परिषद होगी 74 प्लस 89 का ट्रिक करें, 89 का प्रयोग करें तो 89 उसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे तो अनुच्छेद कितना होगा 163, 163 कितना होगा अनुच्छेद 163, 74 प्लस 89 करेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा 163। तो छोटू दोस्तों इस तरह आपका ट्रिक है, 89 और प्रयोग करेगा अनुच्छेद में और प्रयोग करेगा तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि 89 कितना महत्वपूर्ण है, 89 अंक आपको परीक्षा में 90 नंबर ला देगा, 89 अंक प्राप्त कर देगा, 89 जो अनुच्छेद जो ये जो हमेशा जो संविधान का जो मोस्ट जो ट्रिक है, जो संविधान में अनुच्छेद पूछते रहता है, एक न एक अनुच्छेद हमेशा परीक्षा में एग्जाम में पूछते रहता है, तो अनुच्छेद 89 कितना काम कर रहा है इसमें, जब ऊपर वाला हम लोग दोस्तों याद रखेंगे, ऊपर वाला केंद्र वाला याद रखेंगे तो नीचे वाला भी याद हो जाएगा, उसमें क्या करेंगे 89 जोड़ते जाएंगे, तब कब जोड़ेंगे तुलनात्मक करेगा उससे, तुलनात्मक सब कर रहा है ना इसमें, जो बताएं आपको तुलनात्मक कर रहा है उसमें, तो दोस्तों ये जो 89 का ट्रिक है और अब इसमें प्रयोग करेंगे, और कम से कम 100-150 अनुच्छेद आपको ऐसे बताएंगे जो 89 ट्रिक, 89 उसमें आपका ट्रिक काम करेगा, कुछ नहीं ऊपर वाला याद रखना है और उसमें 89 जोड़ते जाएंगे, इसका ऐसे विस्तार से भी है, पूरा विस्तार से बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी स्मार्ट स्टडी चल रहा है, स्मार्ट स्टडी करेंगे स्मार्ट बना देगा आपको एग्जाम में, स्मार्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि स्मार्ट जो काम करें, क्वेश्चन बहुत सा होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मोस्ट है जो परीक्षा से रिलेटेड है, जो आने वाला एग्जाम है बिहार दरोगा, बिहार SSC, उसमें आपको बहुत एक न एक अनुच्छेद पूछते रहता है, इधर जो एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का उसमें एक अनुच्छेद आया था, उधर आपका जो बिहार दरोगा PT का उसमें एक अनुच्छेद आया था, तो इस तरह एक अनुच्छेद इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो मैंने 89 का ट्रिक बताया, 89 क्या जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे आपको बताया गया इसमें, इस माध्यम से, तो नेक्स्ट में भी और 89 का प्रयोग करेंगे, ट्रिक बता देंगे आपको 89 कहाँ कहाँ जोड़ना है, जो आपको आसान हो जाएगा अनुच्छेद याद रखने का, ऐसे कितनों ऐसे याद रखेंगे अनुच्छेद तो बहुत कम याद होता है, लेकिन 89 उसमें जोड़ते जाएंगे ना तो आपको फायदा होगा, याद होगा 89 कब जोड़ेंगे कहाँ जोड़ेंगे याद हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आज बस इतना ही, और अगर अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, मेरा जो ट्रिक बताया गया वो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके 89 जो अंक है, 89 जो आपको अनुच्छेद में बताया गया है कैसे जोड़ेंगे कहाँ जोड़ेंगे आपको एकदम सर्टिफाई होगा, तो मैंने इसमें माध्यम से बताया अनुच्छेद 89 का। तो ठीक दोस्तों एक बार और मैं जब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और बस आज का वीडियो जो मैं ट्रिक बताया बस इतने ही, नेक्स्ट लेकर आएंगे 89 ट्रिक का प्रयोग और बता देंगे, कम से कम 150-200 मिलेगा आपको 89 अनुच्छेद का ट्रिक, 89 कैसे जोड़ेंगे कहाँ पे जोड़ेंगे कि आपका अनुच्छेद 135 हो जाएगा 89। तो ठीक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत।